हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपका इंग्लिश का सिक्स्थ चैप्टर का हाफ पार्ट करेंगे, यानी सेकंड पार्ट करेंगे, जिसका नाम था डैडी लॉन्ग लेग्स। ठीक है, उसका अभी हाफ चैप्टर अपना बाकी है। लेट्स सी लेटेस्ट वार बुलेटिन, यानी लेटेस्ट अभी नया ताज़ा युद्ध की सूचना। ठीक है, नई सूचना। ऑन थर्सडे द 13th of November, थर्सडे था, 13th नवंबर की बात है ये। हैनिबल रूटेड द एडवांस गार्ड ऑफ द रोमन्स एंड लीड द कार्थेजिनियन फोर्सेस ओवर द माउंटेन्स इन टू द प्लेन्स ऑफ कैसिलिनम। ठीक है, तो क्या हुआ कि हैनिबल ने जो रोमन्स के गार्ड्स थोड़ा आगे आगे थे, एडवांस बढ़ चुके थे, उन्हें हरा दिया। ठीक है, एंड लीड द कार्थेजिनियन फोर्सेज ओवर द माउंटेन्स इन टू द प्लेन्स ऑफ कैसिलिनम। ठीक है, कैसिलिनम के प्लेन एरियाज़ के अंदर से और माउंटेन्स के ऊपर से, कार्थेजिनियन की फोर्सेज को माउंटेन के ऊपर से और प्लेन्स के अंदर से उन्हें क्या किया गया, लीड किया गया, यानी आगे भेजा गया। टू बैटल्स, दो युद्ध, रोमन्स रिपल्स्टेड विद हैवी लॉसेज, और दो युद्ध हुए और रोमन्स को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान के साथ वापस लौटना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आई हैव द ऑनर ऑफ बींग, मेरे पास इसका एक सम्मान था, यानी मैं ये चीज़ बता पा रही हूँ, ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। योर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम दी फ्रंट, आपकी संवाददाता, आपकी स्पेशल संवाददाता, पत्रकार आपके सामने से। ठीक है, जे एबर्ट, यानी मैं आपको इस युद्ध की सूचना दे रही हूँ एक पत्रकार की तरह, एक न्यूज़पेपर के संवाददाता की तरह। P.S. आई नो आई एम नॉट टू एक्सपेक्ट एनी लेटर्स इन रिटर्न। P.S. मैं जानती हूँ कि मैं सामने से दोबारा लेटर्स के रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, यानी मैं दोबारा लेटर का जवाब नहीं मांग रही हूँ। एंड हैव बीन वॉर्न नॉट टू बोदर यू विद क्वेश्चंस, और ना ही मैं आपको अपने सवालों से क्या करूँगी, परेशान करूँगी। बट टेल मी डैडी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जस्ट दिस वंस, आर यू ऑफली ओल्ड और जस्ट अ लिटल ओल्ड, कि आप पूरी तरह बूढ़े हो चुके हैं या कुछ बूढ़े हुए हैं। एंड आर यू परफेक्टली बाल्ड और जस्ट अ लिटल बाल्ड, कि आप पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं या थोड़ा कम हुए हैं, यानी अब आपके सिर पर बाल है या नहीं, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया अपने पापा से अलग हुए, इसलिए वो पूछ रही है। फिर 19 दिसंबर को वो लड़की फिर से लेटर लिखती है डियर डैडी लॉन्ग लेग्स को, यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आर यू बॉल्ड, क्या आप, आर यू बैल्ड, क्या आप गंजे हो चुके हो। आई हैव इट प्लान्ड एग्जैक्टली वॉट यू लुक लाइक, मेरे पास एक प्लान है कि आप एग्जैक्टली कैसे दिखते होंगे। वेरी सेटिस्फैक्ट्रीली, आप बहुत ही संतुष्ट दिखाई देते होंगे। अनटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड, यहाँ तक कि मैं आपके सिर के टॉप तक पहुँच पाऊँगी। एंड देन आई एम स्टक, और उसके बाद मैं वहीं रुक जाऊँगी। आई कॉन्ट डिसाइड वेदर यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंकली ग्रे हेयर और मे बी नन एट ऑल, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि आपके बाल सफ़ेद हो चुके होंगे या थोड़े ब्लैक होंगे या फिर क्या हो चुके होंगे, बिल्कुल कुछ ग्रे कलर के होंगे या फिर मे बी नन एट ऑल, या फिर बाल होंगे ही नहीं, मैं कुछ भी सेटिस्फैक्ट डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। वुड यू लाइक टू नो वट कलर योर आइज़ आर, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे, ये जानना पसंद करोगे कि आपकी आँखों का रंग कैसा होगा। दे आर ग्रे, वे सलेटी कलर की हैं। एंड योर आईब्रोज स्टिक आउट लाइक अ पोर्च रूफ एंड योर माउथ इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद अ टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट दी कॉर्नर्स। और फिर ये उसके फेस का मतलब अंदाज़ा लगाते हुए कहती है लड़की कि वहाँ शायद आपकी आँखें तो होंगी कैसी कलर की, ग्रे कलर की, और आपके आईब्रोज बिल्कुल स्टिक होंगे लाइक अ पोर्च रूफ, जैसे कि छत पे क्या बना होता है, पोर्च बना होता है। ठीक है, और आपका जो माउथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, विथ टेंडेंसी का मतलब है यहाँ पे झुकाव के साथ, जो किस तरफ मुड़ रहा होगा, दो कॉर्नर्स की तरफ मुड़ रहा होगा। ओ यू सी आई नो यू आर अ स्नैपी ओल्ड थिंग विद अ टेम्पर, ओ अरे यू सी, आप मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ गया होगा आप में, और आप बूढ़े हो चुके होंगे, एक गुस्से भरी बूढ़ी चीज़ जैसे आप दिख रहे होंगे। चैपल बेल होती है, यानी प्रार्थना की बेल होती है, असेंबली की बेल होती है। फिर वो 9:45 PM पे वो फिर से लेटर लिखती है। आई हैव अ न्यू अनब्रेकेबल रूल, मेरे पास एक नया
अनब्रेकेबल रूल है, नेवर टू स्टडी एट नाइट्स नो मैटर हाउ मैनी रिटन रिव्यूज आर कमिंग इन द मॉर्निंग। नो नेवर टू स्टडी एट नाइट्स, क्या नया रूल है इसका जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, कि रात में स्टडी कभी नहीं करती। नो मैटर हाउ मैनी रिटन रिव्यूज आर कमिंग इन द मॉर्निंग, कि कितने लिखे हुए रिव्यूज सुबह मॉर्निंग में आएंगे इसे कुछ पता नहीं, कोई मतलब नहीं है। नो मैटर इंस्टेड आई रीड बुक्स, इंस्टेड इसके अलावा मैं किताबें पढ़ती हूँ। आई हैव टू यू नो, मैं ऐसा करती हूँ आप जानते हो, बिकॉज देयर आर 18 ब्लैंक ईयर्स बिहाइंड मी, क्योंकि मैंने पीछे 18 साल बिता दिए हैं। यू वुड नॉट बिलीव डैडी, क्या आपको विश्वास नहीं है डैडी, वॉट एन अबेस ऑफ इग्नोरेंस माई माइंड इज, मेरा जो दिमाग है वो किस तरीके की इग्नोरेंस के जैसे नरक में चला गया हो। द थिंग्स दैट मोस्ट गर्ल्स विद अ प्रॉपरली असॉर्टेड फैमिली हैड अ होम एंड फ्रेंड्स एंड अ लाइब्रेरी, नो बाय अब्सॉर्प्शन आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ। ठीक है, तो इसमें वो कहती है कि द थिंग्स दैट मोस्ट गर्ल्स विद अ प्रॉपरली असॉर्टेड फैमिली, वो चीज़ें जो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लड़कियों के पास होती है जिनकी एक प्रॉपरली मिश्रित फैमिली होती है, सब लोग होते हैं उनके परिवार में, उनका घर होता है, उनके दोस्त होते हैं, एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे वो अवशोषण करते, यानी उनकी वो लाइब्रेरी होती है, वो घर परिवार दोस्त जिससे वो सब कुछ सीखते हैं। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ, लेकिन मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई नेवर रीड मदर गूज और डेविड कॉपरफील्ड एंड एन अवेनहो और सिंड्रेला और ब्लू बियर्ड एंड रॉबिन्सन कर्स एंड जैन एरी एंड एलाइस इन वंडरलैंड और अ वर्ल्ड ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, यानी मैंने इन राइटर्स जो ये पोइट्स राइटर्स हैं इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट नो दैट हेनरी द एट्थ वॉज मैरिड मोर देन वंस और दैट शेली वॉज अ पोइट और दी जॉर्ज एलियट वॉज अ लेडी, मैं ये नहीं जानते कि हेनरी ने आठ बार शादी की थी, आठ से ज़्यादा बार, मोर देन एट, ठीक है, मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा आठ बार उसने शादी की थी, और उसके बाद शेली एक पोइट थी और जॉर्ज एलियट एक लेडी थी, मुझे ये सब नहीं पता। आई हैड नेवर सीन अ पिक्चर ऑफ मोनालिसा, मैंने एक मोनालिसा की कभी कोई पिक्चर भी नहीं देखी है। नेवर हियर्ड ऑफ शेरलॉक होम्स, और ना ही मैंने शेरलॉक होम्स के बारे में कुछ सुना है। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें जानती है लेकिन फिर भी ऐसा बोल रही है कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा ही नहीं। नाउ आई नो ऑल द थिंग्स दैट एंड अ लॉट ऑफ अदर बिसाइड्स, लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ और दूसरी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पता है। बट यू कैन सी हाउ मच आई नीड टू कैच अप, अब आप देख सकते हो कि मुझे कितनी चीज़ें और कैचअप करने की ज़रूरत है। एंड इट्स फन, और ये काफ़ी आनंदमय होता है। आई हैव फोर बुक्स गोइंग एट वंस, मेरे पास एक बार में सिर्फ चार किताबें होती हैं जस्ट नाउ। अब मेरे पास है दे आर टेनिसन्स पोएम्स एंड वैनिटी फेयर एंड किपलिंग्स प्लेन टेल्स एंड लिटिल वुमेन, ये चार बुक्स अभी इसके पास हैं। 10 o'clock की बेल होती है, दिस इज़ अ मच इंटरप्टेड लेटर, और ये बहुत ही ज़्यादा बीच में बाधा डालने वाले शब्द थे, यानी वो बात कर रही थी अपने डैडी से और तभी 10 o'clock की बेल लग जाती, यानी उसे सोना पड़ेगा अभी ये सब बंद करके। संडे होता है, फिर द क्रिसमस हॉलीडेज़ बिगिन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्रिसमस की हॉलीडेज़ शुरू हो रही हैं एंड द ट्रंक्स आर आउट, और सब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। द कॉरिडोर्स आर सो फिल्ड अप दैट यू कैन हार्डली गेट थ्रू, कॉरिडोर जो होगा वो बिल्कुल भरा हुआ होगा सब लोगों से और उसमें से हम मुश्किल से निकल पाएंगे। एंड एवरीबडी इज़ ऑल्सो बबलिंग ओवर विद एक्साइटमेंट दैट स्टडिंग इज़ गेटिंग लेफ्ट आउट, और सब लोग क्या हो रहे हैं बहुत ही उत्साह से भरे हुए, खुश हैं, एक्साइटमेंट में पागल हैं कि क्या होगा, अब स्टडी से पीछा छूट जाएगा, यानी स्टडिंग इज़ गेटिंग लेफ्ट आउट। आई एम गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल टाइम इन द वेकेशन, मैं भी क्या करूँगी इन छुट्टियों में, एक ब्यूटीफुल टाइम को शुरू करने जा रही हूँ। देयर इज़ अनदर फ्रेशमैन फ्रॉम टेक्सिस हु इज़ स्टेइंग बिहाइंड, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स आएंगे यानी नए स्टूडेंट्स आएंगे फर्स्ट ईयर में टेक्सिस से, और वो यहाँ पे हमारे पीछे रुकेंगे। एंड वी आर प्लानिंग टू टेक लॉन्ग वॉक्स, और हम लोग आगे एक लंबी यात्रा करने की प्लानिंग करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ एनी आइस लर्न टू स्केट, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ बर्फ़ है और हमें स्केटिंग करना सिखाया जा रहा हो। देन देयर इज़ स्टिल द होल लाइब्रेरी टू बी रीड एंड 3 empty weeks टू डू इन इट इन, देन उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी सी लाइब्रेरी होगी पढ़ने के लिए, और फिर 3 empty weeks टू डू इन इट, और इसके अंदर कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 खाली हफ्ते हैं। इस तरीके से वो बच्ची अपने डैडी लॉन्ग लेग्स को अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, जहाँ वो पढ़ रही है रह रही है उसके बारे में लेटर्स के थ्रू उनसे बात करती है। ओके चैप्टर, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।